नमस्कार, मेरा नाम है गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। कैब से सफर करने वालों के लिए अच्छी और बुरी खबर है। पहले अच्छी से शुरुआत करते हैं। कैब से सफर करना आपके लिए सुहाना होने वाला है, तो ऐसा क्यों होने वाला है पहले इसे जान लेते हैं। अगर आप कैब के ड्राइवर के बार बार राइड कैंसिलेशन की समस्या से परेशान है तो आपके लिए राहत की बात है। उबर के ड्राइवरों के बार बार राइड कैंसिलेशन करने संबंधी पैसेंजरों की दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने ऐप में कुछ बदलाव किए हैं। इससे ड्राइवर को राइड एक्सेप्ट करने से पहले ही पता चल जाएगा कि पैसेंजर किस जगह जाने के लिए कैब बुक करना चाहता है। इससे अगर ड्राइवर उस दिशा में नहीं जाना चाहता तो वह राइड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिससे कैंसिलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को ही फायदा होगा। कुल जमा बात यह कि अब ड्राइवर नहीं पूछेगा जाना कहाँ है। दरअसल उबर के राइडर्स की प्रमुख शिकायत यह थी कि राइडर एक्सेप्ट करने के बाद ड्राइवर उन्हें फ़ोन करके पूछते हैं कि जाना कहाँ है, और अगर बताई गई जगह उनके मन मुताबिक नहीं होती है तो वो राइड कैंसिल कर देते हैं या राइड एक्सेप्ट करने के बाद भी नहीं आते और राइडर को ट्रिप कैंसिल करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी दिल्ली NCR समेत देश के 20 शहरों में इस बदलाव को लागू कर दिया गया है। धीरे धीरे अन्य शहरों पर भी इसे लागू कर दिया जाएगा। अगले कुछ हफ्तों तक उबर ड्राइवर और यात्रियों के फीडबैक की बारीकी से निगरानी करेगा, जिससे इस बदलाव के असर का आकलन किया जा सके। इसके अलावा लंबी दूरी के पिकअप पर ड्राइवर को एक्स्ट्रा कमाई होगी। दरअसल अगर पिकअप के लिए ड्राइवर को कहीं दूर जाना हो तो वो अक्सर राइड कैंसिल कर देते हैं या राइड एक्सेप्ट करने के बाद भी आते नहीं हैं। उबर ने इसका समाधान निकालते हुए यह तय किया है कि लंबी दूरी के पिकअप के लिए कंपनी अब ड्राइवर को तय किराए से इतर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेगी। ड्राइवर को मिलने वाली किराए की रसीद में अलग से यह रकम दर्शाई दी जाएगी। इससे ड्राइवरों को पीक टाइम में या रात के समय पिकअप के लिए किसी दूर की जगह पर जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ड्राइवर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अब उबर डेली पे प्रोसेस को भी शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत सोमवार से गुरुवार तक की राइड का पैसा ड्राइवरों को अगले दिन ही मिल जाएगा, जबकि शुक्रवार से रविवार तक की राइड का पैसा सोमवार को उनके अकाउंट में आ जाएगा। इससे उन्हें पेमेंट के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इतनी सारी सुविधाओं के बाद अगर ड्राइवरों के खिलाफ ट्रिप कैंसिल जैसी शिकायतें आई तो पेनल्टी लगाई जाएगी और उबर के ऐप पर इनका एक्सेस भी रोका जा सकता है। अब निराश करने वाली खबर की बात कर लेते हैं। महंगाई की आग में तपरे आम आदमी के लिए एक और परेशान करने वाली खबर है। आटा, ईंधन, फोन कॉलिंग के महंगा होने के बाद अब कैब से सफर करना भी आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। उबर ने कई शहरों में किराया बढ़ाया है। हालांकि ये फैसला भले आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन ड्राइवरों के लिए यह जरूर राहत भरा कदम है। खुद कंपनी ने कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से ड्राइवर को बचाने के लिए फैसला किया गया है। किराए में बढ़ोतरी से उनकी आय में इजाफा होगा। उम्मीद है खबर आपको पसंद आई होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।